नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। छात्रा के साथ छेड़छाड़, मारपीट करने वाले गुंडों पर कार्यवाही, मकान पर चलाए जा रहे प्रशासन द्वारा बुलडोजर। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले बदमाश के मकान पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। गुंडों के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई मंगलवार को जारी रहेगी। वहीं उज्जैन में 3 दिन पहले तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी। बदमाशों ने छात्रा के मकान पर भी हमला किया था। इस मामले में प्रेम सिंह राठौर की ओर से चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस हमले के आरोपी आशीष रघुवंशी के मकान पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया है। उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। इसके अलावा उसकी गुंडागर्दी से इलाके के लोग परेशान थे। आरोपी ने मकान को अवैध रूप से बना रखा था, जिस पर नगर निगम ने विधि अनुसार कार्यवाही की है। उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक गुंडों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मंगलवार को भी कुछ बदमाशों के मकान तोड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। आशीष रघुवंशी और उनके परिवार के द्वारा यहाँ कॉलोनी में अवैध निर्माण किया गया था, इसी के पालन में विधिवत कार्रवाई संपादित की जा रही है। लेकिन लगातार हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर पुलिस ने अब सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज में।